आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं मैं डाउट टू। पिछले एपिसोड में भाई मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि मैं जा रहा हूँ भाई अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार लेने के लिए, और भाई मैं गया भी था, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं होगा कि भाई आजकल वीडियो लेट क्यों आ रही थी, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था भाई एक बहुत तगड़ा सरप्राइज तुम लोगों के लिए, वो थी भाई अपनी एक की जगह दो दो गाड़ियाँ। हाँ जी गाइस, अब अपनी कलेक्शन के अंदर टोटली चार गाड़ियाँ हो चुकी हैं। अब तुम लोगों के चार की पांच होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम पे तीन गाड़ी पहले थी मुझ पे मतलब, तो भाई उन दो गाड़ियों को लेने के लिए ना भाई मुझे अपनी उस एक कार को सेल करना पड़ा, ठीक है। और अभी भाई तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि भाई मैं घर की साइड क्या कर रहा हूँ, मुझे तो शोरूम पर होना चाहिए। तो भाई वो जो दो गाड़ियाँ थी ना, मैं उन्हें देखने गया था कि भाई वो रेडी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि वो आने अपने घर पे ही वाले थे। और ये नॉर्मल रेंगलर को देखो भाई, ये कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, हम भी अपने रेंगलर पे यही कलर करा लेते हैं। अरे भाई अभी मैं ठूक जाता, ठीक है अभी इस रेंगलर को छोड़ते हैं। अभी भाई मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो अपनी दो नई गाड़ियाँ जिन्हें मैं शोरूम पर देखने गया था, और वो फाइनली अपने घर पर आ चुकी है। तो अभी बिना किसी देर के मैं सीधे तुम्हें दिखाता हूँ, अपने घर की बैक साइड में खड़ी है दोनों गाड़ियाँ। अभी मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में हिंट दिया था भाई कि वो अपनी ड्रीम कार हो सकती है, ठीक है। अभी तुम उसके सामने से लुक देख सकते हो, और अभी धीरे धीरे उसके पास चलते हैं। ये देखो गाइस, ये दो गाड़ियाँ हैं जो गाइस अभी मैंने ब्रांड न्यू खरीदी है। एक तरफ तुम्हें एकदम मस्त ऊंची SUV दिख रही है, और एक तरफ भाई तुम्हें एकदम मस्त स्पोर्ट्स कार, रियल स्पोर्ट्स कार कह सकते हैं भाई हम इसे, क्योंकि भाई कंपनी से ऐसी आती है, मैंने इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करा रखा है। और एक बार इसकी जरा तुम लोग हाइट देखो भाई, मेरे जितनी भी नहीं, और ये देखो यार मेरे से कितनी लंबी है। और भाई पीछे से अगर तुम इनकी लुक दिखाओ तो देख सकते हो। अभी इनका इंटीरियर दिखाता हूँ भाई मेनली। सबसे पहले अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठते हैं एंड सी गाइस, ये भाई इसका इंटीरियर जैसा हर स्पोर्ट्स कार से भाई हम उम्मीद रखते हैं, इंटीरियर इतना अच्छा नहीं होता है। और लेकिन भाई इसकी लुक, इसकी परफॉर्मेंस क्या बताऊं भाई। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी दूसरी गाड़ी का, जो कि तुम्हें इस तरफ खड़ी दिख रही है। अभी मैं तुम्हें इसका इंटीरियर दिखाता हूं। देखो गाइस कितना अच्छा इंटीरियर है इसका, और इसके शीशे कुछ ज़्यादा ही वाइट है, और ऊंची कितनी है गाइस ये, पर हाँ अपनी रेंगलर से थोड़ी सी छोटी है। तो ये दो कार से जो अभी गाइस मैंने नई नई खरीदी है, नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे इनकी टॉप स्पीड चेक करने के लिए, इन्हें मॉडिफाई कराने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।